सिरसा का एकमात्र रेजिडेंशियल व डे बोर्डिंग स्कूल, जहां पर आपके बच्चे की शिक्षा, खेल एवं कंपटीशन की तैयारी एक साथ हो रही है। कक्षा थर्ड से हॉस्टल शुरू, कानपुर, दिल्ली, सीकर व साउथ इंडिया से स्टाफ कर्नल VH सिसोदिया व सूबेदार AIG लालचंद पारिक के मार्गदर्शन में बच्चों की नौवीं से ही कैरियर काउंसलिंग करके उन्हें उच्च दर्जे की डिफेंस की तैयारी करवाई जाती है। इस साल 23 बच्चों ने आर्मी की भर्ती पास की। एड्रेस ज्ञान ज्योति पब्लिक स्कूल एवं डिफेंस व स्पोर्ट्स अकेडमी, 9952711118929551111। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूँ आपके साथ रमेश जाखड़ और इस वक्त मैं मौजूद हूँ जनता भवन रोड पे। और यहाँ पे आपको पीछे तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि देखिएगा किस प्रकार से किसान जो हैं वो यहाँ पे ट्रैक्टर और बाइक ले करके यहाँ से प्रदर्शन करते हुए जो है वो जा रहे हैं, पैदल मार्च करते हुए जा रहे हैं। मुख्य मांगों की ओर प्रकाश पहले से ही डाला जा चुका है कि अलग अलग हेल्प सेंटर जो है वो अलग अलग ब्लॉक के अंदर, ताकि किसानों को दिक्कत ना हो, वो लगाए जाने की मांग को लेकर के 2020-21 का जो अभी भी बीमा पेंडिंग है वो दिलवाने की मांग को लेकर के, इसके साथ साथ तमाम ऐसी अनेकों मांगे हैं जिनको लेकर के आज ये धरना जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, प्रदर्शन शुरू हो रहा है। चलिए, लखविंदर सिंह गोलक, जिनकी अहम भागीदारी और अहम हिस्सेदारी किसानों के बीमा क्लेम को लेकर के रहती है, उनसे बातचीत करते हैं। लखविंदर जी, क्या कुछ मांगे लेकर के आज जो है जा रहे हैं? जाखड़ साहब, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। हम बीमा क्लेम की बात को लेकर शुरू से संघर्षरत हैं, लेकिन आपका भी इसमें बहुत बड़ा सहयोग है कि हरियाणा की। अब हम अब अंदर बात कर रहे थे तो वो कहते हैं कई किसान ऐसे हैं जो आपके चैनल देखकर आपके माध्यम से भी आए हैं, भी बीमा क्लेम की जो बात है, आज वहाँ धरना लगना है, उसके लिए जाना है। तो आपका, आपकी टीम का, के हरियाणा की पूरी टीम का धन्यवाद, जो आपने बीमा क्लेम की और मुआवजे की सटीक जानकारी किसानों तक पहुँचाई है, उसका धन्यवाद। तो आज का हमारा मुख्य जो मांगे, सबसे पहले जो बीमा क्लेम 2020 का है, जो पहले बीमा कंपनी ने भद्दा मजाक किया है, अब दोबारा से फिर जो 85 गांव हैं उनका किसी का आधा डाला गया, कईयों का आधे से भी कम डाला गया, बहुत कम जो बीमा क्लेम है दिया गया है। तो हमारे साथ ही ऐसा बार बार क्यों किया जा रहा है काम, ऐसा भी हमारे किसान को ही ऐसा जो है हर बार 2020 के लिए ही बात करनी पड़े। हमारा 2021 का बीमा क्लेम कई वजह से, जैसे सिरसा में कई एक नाम के दो गांव हैं, उसमें बैंक की गलती से बीमा रह रहा है। दूसरा, जैसे दो गांव नज़दीक लगते हैं, जैसे खेवाली रोहिणाली एग्जाम्पल के तौर पर, मेरा आधार कार्ड रोडा वाली का रकबा खेवाली में है, वो बीमा क्लेम रिजेक्ट कर दिया गया किसी बैंक की गलती से। और बहुत सारे कारण हैं, एक कई बैंक मर्ज हुए हैं, जैसे OBC बैंक PNB में मर्ज हुआ, उसका IFSC कोड बदल गया, कोऑपरेटिव बैंक का बीमा नहीं आया, कई बीमा क्लेम नहीं आया, वो समस्या हैं। उसके साथ साथ जितने भी, अब 2020 का हो गया, 2021 का भी ये समस्या सेम है कि किसानों की लिमिटें बंद होगी, नया सिस्टम बना उसमें। तो इस सारे को चलते चलो, इस सारे को समस्या को लेकर बीमे की जब प्रीमियम लेते हैं तो उसकी एक ही बटन से सारा प्रीमियम कट जाता है, तो जब हमारा क्लेम देना है तो तब वो बटन कहाँ है, भी बार बार हमारे को धरने प्रदर्शन करने पड़ते हैं। आप देखते होंगे इंडिविजुअल गांवों के लोग भी आते हैं, अलग अलग गांवों के, कभी डिंग का, कभी कहीं का, जो बीमे के लिए आते हैं। उसके बाद हमारा भारतीय किसान एकता की टीम ने पहले भी धरना प्रदर्शन किया। उसके साथ साथ जो सात ब्लॉक है हमारे, सातों ब्लॉकों के ऊपर हमारे बीमा के अधिकारी बिल्कुल लैपटॉप और ऑनलाइन बैठ के, ये नहीं अधिकारी बैठा दें उनके पास डाटा ना हो, पूरा डाटा लेकर हमारे ब्लॉक लेवल पर बैठे और हमारे किसान की समस्या को सुने। और उसके बाद जितने भी, एक सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर तुगल की फरमान है, जब किसी का जल भराव होता है जहाँ और चीज़ होती है, तो 72 घंटे के अंदर अंदर बीमा कंपनी को इंटीमेशन देना होता है। आप भी किसान हो, मैं भी किसान हूँ, जब कोई फसल में जल भराव होता है, चाहे नरमे की फसल है या कुछ भी है, उसको सूखते हुए 10-12 दिन लग जाते हैं उसकी स्थिति क्लियर होने में, तो 72 घंटे में तो हमारा पौधा हरा होगा, वो आएंगे, देखेंगे, फ़ोटो खींचेंगे, लेकिन हमारे ऊपर ये कैब हटानी चाहिए, किसी तरह की लिमिट नहीं होनी चाहिए किसी तरह की। इसलिए उसको भी देखते हुए ये सारी मांगों को लेकर, बिजली की समस्या को लेकर, पानी की समस्या को लेकर, मुआवजा 258 करोड़, सभी समस्याओं को लेकर आज भारतीय किसान एकता के बैनर के नीचे हमारी सारी जो किसानों की जथेबंदी, जितनी भी हमारी इकाई है, हर गांव की जो इकाई है, सारी इकाइयां इकट्ठियाँ होकर जो आज धरना देने जा रहे हैं। और हमने पहले बोल दिया है,
अगर हमारी बातें मांगी जाती हैं, हमने लिस्ट दे दी है, हमारे संबंधित अधिकारी ये चाहिए, AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, SC बिजली बोर्ड, SC नहरी विभाग, काटा का एक्शन, सारे अधिकारी, DRO सिरसा, सभी जब अधिकारी होंगे तो बात होगी, नहीं तो हम वहाँ पक्का मोर्चा लगाएंगे। यहाँ पे किसान जो है वो लगातार प्रदर्शन करते हुए जो है वो जा रहे हैं, यहाँ से देखिएगा काफ़ी अच्छी संख्या में किसान जो है वो यहाँ से प्रदर्शन करते हुए, पैदल मार्च करते हुए, पूरे बाजार से होते हुए जो है वो यहाँ से निकल रहे हैं, बाइक के माध्यम से, ट्रैक्टर के माध्यम से, अपनी गाड़ियों के माध्यम से जो है वो शहर भर में प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। मुख्य मांगों की अगर बात करूँ तो किसानों का साफ तौर पर कहना है, मुख्य मांगों की अगर बात करूं तो किसानों का साफ तौर पे कहना है कि अलग अलग ब्लॉक के अंदर जो है वो हेल्प डेस्क जो है वो लगाए जाएं, जिससे कि किसानों को किसी तरह की समस्याओं का सामना जो है वो ना करना पड़े। और इसके साथ साथ अगर बात करें तो 2020-21 का जो बीमा क्लेम है वो बीमा क्लेम पूर्ति करने की मांग को लेकर के किसान जो है वो लगातार आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं, और तमाम जो बिजली के मुद्दे हैं, जो पानी के मुद्दे हैं, इसके साथ साथ जितने भी किसानों को समस्याएं जो हैं वो आ रही हैं, उन तमाम समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर के आज किसान जो है वो शहर भर से प्रदर्शन करते हुए आप देखिएगा काफ़ी अच्छी संख्या में किसान जो है वो यहाँ से प्रदर्शन करते हुए जा रहे हैं। किसानों का कहना है कि उनकी अगर तमाम मांगों का समाधान उपायुक्त महोदय जो है वो आज कर देते हैं तो ठीक है, अन्यथा आज जो है वो इनका निश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जो है वो पड़ाव जो है वो लघु सचिवालय में डाल दिया जाएगा। तो ऐसे में खैर आने वाले समय में क्या कुछ किसानों का आगे पड़ाव रहता है, क्या उपायुक्त महोदय पूरी मांगे मानने को राजी होते हैं, मानते हैं, या फिर किसान जो है वो उपायुक्त कार्यालय के अंदर, DC ऑफिस के अंदर, लघु सचिवालय के अंदर धरना लगाते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर आप इस वीडियो को लेकर के और बीमा क्लेम को लेकर के क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़, के हरियाणा।